जल सुराज इस मिथिला राज्य या छोटे राज्यों को किस नजरिए से देखता है और वो इस छोटे राज्यों को लेकर के किस तरह से बिहार को आगे बढ़ा? मिथिला अलग राज्य के तौर पर जो लोग इस पर काम कर रहे हैं या जिन्होंने कुछ सामाजिक राजनीतिक प्रयास किए हैं, उसमें ज्यादातर संगठन ऐसे हैं जो मेरे से भी टच में हैं। वो लड़के मिलते रहे, आज नहीं पिछले 2-3 सालों से मिलते रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार को और खंडित करने से किसी का भला नहीं होगा। मिथिला हो या सीमांचल, मगध हो या पूर्वांचल, जितने भी क्षेत्र हैं, जब पूरा बिहार ही गरीब है, जब पूरा बिहार ही पिछड़ा है, तो उसमें ये कहना कि सिर्फ मिथिला पिछड़ा है ऐसा ठीक नहीं होगा। छोटे राज्यों की जो परिकल्पना है, अगर बिहार, मैं जो कह रहा हूं कि अगले 10 साल में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाए, तो उससे मिथिला, बिना मिथिला के विकास के तो वो संभव नहीं है। मिथिला एक तरह से हृदय स्थली है बिहार की, तो मिथिला के विकास से ही बिहार का विकास हो सकता है। लेकिन उसका रास्ता बिहार को खंडित करना, मिथिला को अलग बनाना नहीं है। अगर मिथिला को आप अलग बना भी देंगे और उसका नेतृत्व भी अगर सही लोगों के हाथ में नहीं रहेगा, तो वो वहां भी वही स्थिति होगी। आपने देखा झारखंड बिहार से अलग हुआ, इसकी वजह से कोई झारखंड में बहुत तरक्की तो नहीं हो गई। लोगों को ऐसा लगता था कि बिहार के वजह से झारखंड पिछड़ा है। जब तक आप जो व्यवस्था, चाहे राज्य बड़ा हो या छोटा, उसको चलाने वाले लोग सही नहीं होंगे, चुनकर जो लोग आ रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वो लोग सही नहीं होंगे तो वहां पर व्यवस्था नहीं बदलेगी।